अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लाइव हंटिंग इन जर्मनी। ठीक है, हमने कनाडा में देखी, हमने यूएसए में देखी, हमने उसके बाद यूके में भी देखी। तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्प्ले कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप में से कोई देखना चाहे तो वहाँ से भी देख सकता है। तो उसके बरक्स आज हम लाइव हंटिंग करते हैं जर्मनी में। ठीक है, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं चार मार्केट्स को कंप्लीट करूंगा, तो मैं जो ये चौथी मार्केट जो है इसको कंप्लीट करूंगा आज की वीडियो में। इसकी हंटिंग पर बात करेंगे, हंटिंग किस तरह से की जाती है वो देखेंगे, फिर उसकी सोर्सिंग देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ जी कीपा में। ठीक है, कीपा में मैं आ गया। कीपा में आने के बाद मेरा नेक्स्ट टास्क जो होता है वो इधर मार्केट चेंज करना है, मार्केट मेरी जर्मनी है। उसके बाद मैं डेटा टैब में जाऊँगा। मैं कीपा क्यों यूज़ करता हूँ बार बार? कीपा यूज़ करने से मुझे दो फायदे होते हैं, एक तो प्रोडक्ट मिल जाते हैं, दूसरा मेरा जो कीपा के ग्राफ होते हैं ना, वो प्रोडक्ट फाइनलाइज करने से पहले मैं इधर ही देख लेता हूँ। ठीक है, फाइन प्रोडक्ट्स में जाके, तो वो भी देखते हैं अभी हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स रैंक है, मैंने 90,000 का क्राइटेरिया में मेंशन किया है, लेकिन मैं यहाँ पे 70,000 कर देता हूँ। ये लास्ट वीडियो में मैंने 80,000 किया था जब मैंने कनाडा में की थी आई थिंक, लेकिन ये जस्ट इस वजह से मैं रैंडम पुट करता हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। इसको इसका जो क्राइटेरिया फॉलो करना, आप अपनी मर्जी से भी जो दिल करता है वो बी एस आर पुट कर सकते हैं मैक्सिमम लिमिट तक। आप चाहें तो आप 50 कर लें, आप चाहें तो 40,000 कर लें। ठीक है, तो प्राइस मैं यहाँ पे दे देता हूँ जी 12 से लेके 70 तक। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट टास्क हमारा है जी, नीचे आएंगे तो कलेक्टिबल्स एंड रिफर्बिश को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। एंड इसके बाद इधर से हम रूट के जो कैटेगरी होगी हमारी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ जी, मैं तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्यूटी की कैटेगरी को, क्योंकि वो रीड करना भी आसान है और टाइम भी थोड़ा लगेगा फिर काम करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे करंट में मैं सेलर लिख लेता हूँ 4 to 60। आप चाहें तो 40 करें, 35 लिखें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं एक और फिल्टर इधर ऊपर यूज़ करूँगा जो मैंने पीछे पहले यूज़ नहीं किया, ना लास्ट वीडियोस में भी यूज़ नहीं किया, वो है न्यू थर्ड पार्टी FBA आउट ऑफ स्टॉक। मतलब जितने भी FBA वाले बैठे हुए हैं ना सेलर्स, आउट ऑफ स्टॉक होंगे। ये देखिए अब 867 प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, तो उसके बाद मैं थर्ड पार्टी पे सिलेक्ट कर लूँगा, इधर से बाय बॉक्स एलिजिबल हो, अनक्वालिफाइड ना हो, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमें। अब आप यहाँ से देख लें जी, वेरिएशन वाले चाहिए या नो वेरिएशन चाहिए। अगर नो वेरिएशन पे जाते हैं तो हमारे पास 35 प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, 35 प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अलावा आप जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट फिल्टर करते जाएंगे तो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट आपके श्रिंक होते जाएंगे, फिल्टर होते जाएंगे, और आपके पास रिजल्ट उस लिहाज से आ जाएगा। एडल्ट प्रोडक्ट हमने नहीं करना। तो अच्छा, ट्रेड एलिजिबल अगर कर लें तो यस, फिर भी ठीक है, ना नहीं करें तो फिर नो कर दें इसको भी। ठीक है, तो इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। तो मैं फाइन प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, मेरे पास 35 प्रोडक्ट्स आ गए। अब मेरा काम है जी इनको बारी बारी देखना। ठीक है, इनको बारी बारी इनकी बाय बॉक्स की रोटेशन देखना। मैंने रैंडम से प्रोडक्ट ओपन किया, डेटा में गया, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में गया, इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन देख लेते हैं। ये इसमें एक ही सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, शायद यही ब्रांड हो, लेकिन इसके पास रिव्यूज़ बहुत कम है। तो मैं फर्स्ट वाला देख लेता हूँ। तो ये 65 पाउंड का बिक रहा है, यूरो का सॉरी। तो इसको मैं 90 डेज़ पे ले जाता हूँ। ये देखें, इसमें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, इधर मोस्टली 3 FBA सेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, एक 7,000 के रिव्यूज़ के साथ, एक 647 के साथ, एक 2,000+ रिव्यूज़ के साथ। ठीक है, तो ये बड़े सेलर बैठे हुए हैं, तो हमें बाय वक्त मिलने के चांसेस कम हैं। तो अब इसकी बारी आ जाती है जी, इसकी बारी देख लेते हैं। इधर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ है, तो ये 15 पाउंड सॉरी पाउंड कह दिया दोबारा,
यूरो का प्रोडक्ट है, इसके बारे में स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं, तो देख लेंगे भी ठीक है। तो ये बाय बॉक्स के इसमें भी हाई रिव्यूज़ का इशू है, लेकिन 90 डेज का देखते हैं। इसमें टू सेलर्स हैं, एक अमेजोन है और एक ये खुद है ठीक है। अब इसके अलावा इसके पास 5 का स्टॉक पड़ा है, अगर आपको पता है कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा बहुत जल्द, तो फिर आप इसको मी टू कर सकते हैं ठीक है। फिर आपको आप इन स्टॉक हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी सेव हो रही हो। तो मैं इसकी लिस्टिंग को एक को ओपन करके देख लेता हूँ ठीक है। अब सेकंड लिस्टिंग नीचे देखते जाते हैं, जो जो हमारे काम की होंगी हम उनको ओपन करके देखते जाएंगे। इसमें भी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ होगा, तो इसमें देख लेते हैं ठीक है। कभी कभी आपको ये ऊपर ईबे वाले में भी अच्छी प्राइस शो हो रही होगी ठीक है, तो इसको भी देखिएगा। इसके पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है, ये देखें, इसके पास एक ही स्टॉक में है 237 है, ये भी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, ये 27 की है, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी भी देख लें ठीक है। तो ये वाली शीट है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जिसने देखना होगा आप देख सकते हैं इसमें से प्रोडक्ट ठीक है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके मैंने सेव कर ली ठीक है। तो मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए आसानी हो, ताकि अगर आप लोगों ने इसका देखना है, इसका एसएन वगैरह या हिस्ट्री डिटेल्स, तो आप इस शीट में देख सकते हैं ठीक है। मैंने दो प्रोडक्ट ओपन कर ली हैं, अब इन दो पे हम काम करते हैं ठीक है, या ओपन हो जाए। तो वो पेज तो लोड नहीं हुआ था, लेकिन मैंने इसके एसएन यहाँ पर मैंने कॉपी किया था ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये शो करवा रहा है छोटी सी समरी इसके प्रोडक्ट की। तो अब यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, अपने डैशबोर्ड में जाके पेस्ट करेंगे, अगर हमें वहाँ पे ये अलाउ है सॉफ्ट अप्रूवल के साथ, तो हम इसको मीटू कर लेंगे ठीक है। जर्मन मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसका बीएसआर भी बहुत अच्छा है, हमने बाय बॉक्स की रोटेशन देखी वो भी एक्सेप्टेबल है, साथ इसके सेलर्स हैं, फुलफिलमेंट इस टाइम एफबीए के पास है, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है, और ये 26 पाउंड का सेल हो रहा है। तो अब इसकी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, उससे पहले हम इसकी देख लेते हैं क्या कहते हैं इसकी सोर्सिंग ठीक है। इधर से मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया एंड इसको मैंने सर्च करवा दिया ठीक है। अब सर्च करवाया तो मैंने यहाँ पर पहले से ही ओपन किया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये ओपन हो गया ठीक है। ये एक वेबसाइट है ओजी कॉस्मेटिक्स के नाम से इन जर्मनी ठीक है। अब उसमें ये कितने का सोर्स हो रहा है, 8.90 का, फ्री शिपिंग वैट इंक्लूडेड ठीक है। इसमें वैट भी है 8.90, हमारी जो शिपिंग प्राइस है वो भी इसमें शामिल है ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है इस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करना ठीक है। तो मैं आ गया जी यहाँ पर एफपीए कैलकुलेटर में ठीक है, जो जर्मनी मार्केट का है, तो मैं इस पर क्लिक कर लूँगा ठीक है। तो यूके का ही शो करवा रहा है मैं फिलहाल, तो इधर मैं ओके कर देता हूँ और इधर मैं न्यू वाले पे चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे जर्मन आती नहीं है, क्योंकि बाकी मार्केट्स के यूज़ कर करके तो कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कौन सा टाइप किस चीज़ का है। तो यहाँ पर मैंने इसका एसिन पेस्ट करना है, ऐसे हमने इधर से पिक किया, कॉपी किया एंड रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाके पेस्ट मैं इसको कर डी दिया कर ठीक देता हूँ है। और तो फिर हमने सर्च करवा दिया डी ई ठीक किया, है। तो अब यहाँ पर ये यूके के मार्केट के हिसाब से आ गया, देखिए 19 हो गया ठीक है। तो ये आ गया 27.5, और जो सेशन का स्टैंड बाय बॉक्स होगा 8.90 ठीक है, 8.90। चलिए सिंपली हम खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, वो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको ठीक है। तो इधर पता नहीं मेरे लैपटॉप का इशू आया हुआ शायद। तो इसकी जी प्राइस, जो इसकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट है जी 8.90 प्लस इसकी जो फीसीज हैं वो कितनी है वो हम देख लेते हैं। इसकी जो फीस है तो फीसीज इसकी है 7.19 ठीक है, तो 7.19 इसकी ये आ गया।
और सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, 27.5। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, हमने सेलिंग प्राइस में से बाकी चीज़ें रिमूव कर देनी है, माइनस कर देनी। ठीक है, इसको भी, और ये फर्स्ट कॉलम G5 का है और इसमें से G7 का है मेरे ख्याल से, G6 का है, तो आपने इसको माइनस करवा देना, तो ये आपका 11.41 फिर भी प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस आउट करने के बाद। और दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करना भूल गए, वो था प्रेप कॉस्ट। ठीक है, प्रेप कॉस्ट कितनी है, मैं एस्टिमेट कर देता हूँ जी, 3 यूरो है। ठीक है, तो मेरे पास कितना आ गया प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट है 8.41 का। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर सही नहीं काम कर रहा था, तो मैंने इसलिए मैनुअल कैलकुलेट किया। ठीक है, अब आपने जितने भी कैलकुलेशन करनी है आप अपना कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे शायद कोई ग्लिच आया हुआ है लैपटॉप में या फिर कुकीज़ में, तो इस वजह से सही नहीं परफॉर्म कर रहा, तो इसलिए आज के लिए ये हमने हंटिंग देखी, उसके बाद हमने हंटिंग के बाद हमने उसकी सोर्सिंग देखी, फिर प्रॉफिटेबिलिटी देखी कि 8.41 हमें प्रॉफिट सेव हुआ। इस तरह से हम जर्मनी मार्केट में काम करते हैं, सेम एज होलसेल में भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमें जेन में रखनी है कि इधर 19% वैट हमारा चार्ज होगा। ठीक है, 19% वैट हमें चार्ज होगा, इन केस अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर हमें 19% वैट पे करना पड़ेगा अमेजोन को, वो भी फीस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर सपोज करें इन केस हम वैट रजिस्टर्ड नहीं है, 8.41 का आप 19% ले लें, ठीक है, कितना हो गया, 1.59 हो गया, फिर आपका प्रॉफिट कितना होगा, आप इसमें से ये निकाल दें। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट होगा इफ़ यू आर नॉन वैट रजिस्टर्ड। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, वैट रजिस्टर्ड प्रॉफिट। ठीक है, नॉन वैट रजिस्टर्ड प्रॉफिट है, ये वैट रजिस्टर्ड प्रॉफिट है। ठीक है जी, ये इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो, तो इस तरह से आपने अपनी हंटिंग करनी है, इस तरह से आपने सोर्सिंग करनी है, इस तरह से आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ईमेल आपको मेंशन है, एज वेल एज सब्सक्राइब कर दें, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो आती रहेंगी। अब हम इसकी सोर्सिंग की दो तीन जो चैनल्स होंगे, लाइक कोई वेबसाइट्स होंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इनकमिंग वीडियोस, उसके बाद फिर हम कोई और कोर्स स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दराज है या दूसरी मार्केट में ईबे है, लजादा है, जूमिया है, तो इन इनको हम यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि हम सोर्सिंग किस तरह से करते हैं, हंटिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ताकि आप लोगों के लिए डिफरेंट, सिर्फ एक अमेजोन पे आप लोग स्ट्रिक्ट ना हो या उस पर ही लिमिटेड ना रहें, आप अपने जो चैनल हैं या अपना ग्रोथ के चांसेस हैं उसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकें, और फेक कोर्सेज से और या जो पेड कोर्सेज होते हैं, ज़्यादा हैवीली पेड होते हैं, उनसे ज़रा अपने आप को बचा के रखें, वही पैसे आप अपने टूल्स पर लगाएं और अपनी प्रैक्टिस करें, और आपको ज़्यादा वैल्यूएबल रिजल्ट्स आएंगे जब आप चीज़ें आपके हाथ से गुजरेंगी। तो ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।